Hello everyone, welcome to Science Cosmos, and today we are going to discuss about interface nucleus. तो आपकी स्क्रीन पर जो डायग्राम है वो इंटरफेस न्यूक्लियस के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंटरफेस न्यूक्लियस होता है उसकी एक खास बात है कि ये जो न्यूक्लियस है इट इज ऑब्जर्व इन यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल। जैसे कि आपको पता है कि जो न्यूक्लियस के बिहाफ पर सेल को डिवाइड किया गया है वो टू टाइप्स में किया गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो दैट इज यूकैरियोटिक टाइप ऑफ न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस है जिसको हम सेल साइकिल के इंटरफेस के दौरान स्टडी कर रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इंटरफेस के दौरान जब हम इसको स्टडी करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह का विजुअलाइजेशन होगा। तो जैसा कि आपको पता है जो हमारा न्यूक्लियस है उसकी जो आउटर कवरिंग है दैट इज अ न्यूक्लियर एनवलप एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम। दिस इज योर न्यूक्लियर एनवलप जिसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। जो इसके आउटर मेम्ब्रेन है आप देख सकते हैं कि कुछ रिजाइन स्पेस से ही एक रैंडम स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी दैट रिप्रेजेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ER कहते हैं। और इफ राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन इट्स सरफेस देन इट इज कॉल्ड आरईआर। तो इसको हम क्या कहेंगे, आरईआर कहेंगे किस दौरान, जब इस पर राइबोसोम्स मींस ही डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं दैट इज योर राइबोसोम्स। तो अगर जो आपको राइबोसोम्स इसके सरफेस पे दिख रहे हैं जिसको हम आरईआर कहते हैं, इफ राइबोसोम्स आर एब्सेंट देन इट इज कॉल्ड एसईआर। नाउ जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है इट इज एसोसिएटेड विद डार्क स्टेनिंग पार्ट। न्यूक्लियस का एक डार्क स्टेनिंग पार्ट होता है जिसको हम हेटरोक्रोमैटिन कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि हेटरोक्रोमैटिन से एसोसिएटेड जो लेयर होती है वो होती है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो इनर मेम्ब्रेन है इट इज एसोसिएटेड विद हेटरोक्रोमैटिन। तो ये तो थी मेम्ब्रेन की बात। तो न्यूक्लियर एनवलप के बाद अब हम बात करेंगे अबाउट स्पेशल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। एज यू कैन सी कि जो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस नहीं है, वो कुछ एरिया से इंटरप्टेड है, मतलब वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है। तो जहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है उस डिजाइन को हम स्पेशल नाम देते हैं जिसे कहते हैं न्यूक्लियर पोर। तो ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर है डेट इज योर न्यूक्लियर पोर। अब सवाल उठता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर। तो मैं आपको बता दूं कि जो न्यूक्लियर पोर का फंक्शन होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मटेरियल का एक्सचेंज है इट टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पोर। नाउ थर्ड स्ट्रक्चर इज क्रोमैटिन फाइबर। एक्चुअल में जब आप इंटरफेस न्यूक्लियस को स्टेन करते हैं तो कलर करने पर आपको याद रखना है कि आफ्टर स्टेनिंग जो न्यूक्लियस है वो दो एरियाज में डिवाइड हो जाता है। इसमें एक एरिया होता है जो डार्क स्टेनिंग होगा और एक लाइट स्टेनिंग पार्ट होगा। तो एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि जो हमारा लाइट स्टेनिंग पार्ट है वो लार्ज एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है और जो डार्क स्टेनिंग पार्ट है वो टुवर्ड्स पेरिफेरी एरिया आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा। तो उसके पीछे रीजन क्या है, क्रोमैटिन फाइबर। तो हमारे जो क्रोमैटिन फाइबर्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। एज यू कैन सी कि लाइट स्टेनिंग जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं उन्हें हम यू क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, यू क्रोमैटिन। जबकि डार्क स्टेनिंग जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं उन्हें हम हेटरोक्रोमैटिन कहते हैं जो टुवर्ड्स द पेरिफेरी लोकेटेड होते हैं। तो दैट इज द टाइप्स ऑफ क्रोमैटिन फाइबर। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रोमैटिन फाइबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो हेटरोक्रोमैटिन और एक यूक्रोमैटिन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंपार्टमेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर मैंने एक स्पेशल इंटरनल कंपार्टमेंट्स आपको, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डॉटेड लाइंस दिख रही होंगी। ये डॉटेड लाइंस स्पेशली रिप्रेजेंट करती हैं इंटरनल कंपार्टमेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। तो ये जो इंटरनल कंपार्टमेंट्स ऑफ न्यूक्लियस हैं इनकी फॉर्मेशन होती है बाय द हेल्प ऑफ सीटी बॉर्डर। तो व्हाट इज सीटी बॉर्डर,
आपको ध्यान रखना है सिटी बॉर्डर का मतलब होता है क्रोमोसोमल टेरिटोरी, इट इज द फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ अवर न्यूक्लियस, क्रोमोसोमल टेरिटोरी। एक्चुअल में जो क्रोमोसोमल टेरिटोरी है इसका फंक्शन होता है न्यूक्लियस को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो आप देख सकते हैं एक तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, सेकेंड जो कंपार्टमेंट्स आप न्यूक्लियस के अंदर देख रहे हैं इन कंपार्टमेंट्स की फॉर्मेशन भी सीटी के जरिए हो रही है, और एवरी सीटी एसोसिएटेड विद अ न्यूक्लियर पोर। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो भी मटेरियल सिंथेसाइज होता है उसको डायरेक्ट एक्सचेंज किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है टू द न्यूक्लियर पोर ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर पोर के जरिए जो मटेरियल है वो ईच कंपार्टमेंट से रिलीज होने के बाद उसको साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो बाय द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म वी कैन ट्रांसफर सॉरी बाय द हेल्प ऑफ सीटी या क्रोमोसोमल टेरिटोरी, तो उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं मटेरियल को ईच न्यूक्लियर पोर के जरिए साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। सो आई होप एंड यू विल सी अ डार्क स्पॉट एंड मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर दैट इज अ न्यूक्लियोलस, इसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियोलस कहते हैं, जहां पर स्पेशल टाइप ऑफ आरएनए की फॉर्मेशन होती है, डेट आरएनए इज आरआरएनए। तो जो हमारा राइबोसोमल आरएनए होता है इट इज फॉर्म इनसाइड द न्यूक्लियोलस ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट इज अ मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर विच ऑब्जर्व इन इंटरफेस न्यूक्लियस। सो कीप रिमेंबर डेट इज अ इंटरफेस न्यूक्लियस एज यू कैन सी एंड आई होप यू विल गेट सम नॉलेज। If you are new on my YouTube channel, please click the bell icon to subscribe my channel and get notification related to my videos. So thank you so much for watching this video.